नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, मित्रों दिनांक 27 सितंबर 2023 का दिन कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? मित्रों आज का राशिफल हम नहीं बल्कि हमारे गुरुजी जो कि कन्या राशि के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा आपको सुनने को मिलेगा। मित्रों बड़े ही सौभाग्य से यह मौका हम सभी को मिला है। आइए गुरु जी को सुनते हैं। उससे पहले मित्रों अगर नजर डालते हैं आज के पंचांग पर तो आप सभी को बता देते हैं कि 27 सितंबर को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है एवं धनिष्ठा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। वहीं मित्रों इस वक्त धरती नामक योग भी बन रहा है जो कि बड़ा ही शुभ योग है। और अगर सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य तो मित्रों सिंह राशि में ही विराजमान रहेगा, लेकिन दूसरी ओर चंद्रमा जो है, चंद्रमा मकर राशि के उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगा। तो अब ऐसे में मित्रों कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको गुरुजी द्वारा सुनने को मिलेगी। तो आइए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है मित्रों। और गुरु जी का हम सभी स्वागत करते हुए कमेंट बॉक्स में 3 बार सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से लिखेंगे जय गुरुदेव। तो चलिए मित्रों आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना हम सुनते हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी की वाणी को। दोस्तों अगर आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी समस्या है, धन दौलत को लेकर परेशान हो, कर्ज की समस्या से परेशान हो, टोने टोटके से परेशान हो, या फिर दोस्तों शादी नहीं हो रही है, घर परिवार में कलेश रहता है, मियां बीवी में भी बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, तो दोस्तों सभी के उपाय केवल एक ही है। यह अष्ट धातु से बनी हुई अभिमंत्रित अंगूठी हमारे गुरुजी द्वारा और हमारे द्वारा यह अभिमंत्रित अंगूठी मात्र आपके लिए बनाई गई है। इसकी कीमत मात्र 499 रुपये है, बिल्कुल मुफ्त में आपके घर तक आएगी, केवल 499 रुपये। इसको पहनने से आपको बहुत सारे अनेकों फायदे होंगे, तो आज ही मंगवाइए। गूगल पे फोन पे द्वारा आप पहले पेमेंट करें और इस अंगूठी को मंगवा लीजिए। आइए राशिफल जानते हैं। दोस्तों आज के दिन की शुरुआत थोड़ी सी परेशानियों के साथ हो रही है। दोस्तों कुछ आपको दोस्तों शुरुआत में ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज सुबह उठे तो अपने शब्दों का ध्यान रखिएगा क्योंकि आज दोस्तों आप थोड़े से चिड़चिड़े रहोगे। सुबह होते ही दोस्तों आज आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिससे आप चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाओगे, गुस्सा करोगे, जिससे आपके और आपके परिवार वालों के साथ दोस्तों लड़ाई झगड़े होने के योग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पति पत्नी के बीच भी दोस्तों छोटी सी बात को लेकर या फिर आपके गुस्से को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसलिए आज दोस्तों जितना हो सके बिल्कुल अपने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करिएगा। वहीं दोस्तों आज किसी विशेष मुद्दे पर बातचीत करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। आप अगर नौकरी या व्यापार में कोई मीटिंग कर रहे हो या किसी से दोस्तों किसी ग्राहक से दोस्तों बातचीत करो या फिर किसी नौकरी में हो तो दोस्तों वहां पर अपने सहयोगी से या अपने बॉस से बात करो तो बिल्कुल ध्यान से करना, आज गलत शब्दों का प्रयोग आपके द्वारा हो सकता है, अन्यथा छोटी सी बात पर विवाद भी हो सकता है। वहीं कोर्ट केस अगर चल रहा है या संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो दोस्तों किसी की मध्यस्थता से वह हल हो सकता है, इसलिए आज कोशिश जरूर करिएगा। देखिए जीवन में परेशानी है तो उनको हल करने के कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढें,
क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको परेशानियों के साथ जीने की आदत हो जाती है। लेकिन अगर आप परेशानियों को हल करने की कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही एक बात का ध्यान रखिए कि बिना लगाम का जो घोड़ा होता है अक्सर दोस्तों भटक जाता है, इसलिए अपने जीवन में दोस्तों आपको भी बिना लगाम का घोड़ा नहीं बनना है, वरना आप भी भटक जाओगे। देखिए, अगर आपको कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला होगा तो आप हमेशा दोस्तों बढ़िया से काम करोगे, सब कुछ बढ़िया करोगे। अगर आपको कोई बोलेगा कि तू अच्छे से काम कर, अच्छे से कमा, तू अपनी जिम्मेदारियां निभा, दोस्तों या तो आपके माता पिता बोलेंगे, आपकी पत्नी, आपका पति बार बार आपको बोलेगा, तो दोस्तों आप एक सही से काम करोगे। लेकिन जब आपको बोलने वाला कोई नहीं होगा, सब खुद से करोगे, तो दोस्तों अक्सर आप इंसान भटक जाता है जिनको दोस्तों कोई लगाम नहीं लगा पाता। इसलिए एक इंसान के जीवन में हमेशा एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो उसको गाइड कर सके, या तो कोई गुरु हो, या तो अपने परिवार का ही कोई बड़ा व्यक्ति हो। वहीं दोस्तों बिजनेस के लिए अगर कोई फैसला लेना है तो दोस्तों आज ले सकते हैं, 2-3 दिनों में आपको बहुत अच्छे दोस्तों परिणाम मिल जाएंगे। अगर कोई परेशानी आ रही है फैसला लेने में तो थोड़ा समय रुक जाइएगा, लेकिन जल्दीबाजी में कोई काम मत करिएगा। लंबे समय से जिस कार्य में आप दोस्तों मेहनत कर रहे हो, जिस काम को पूरा करने के लिए आप दिन रात एक कर रहे हो, उस काम में आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। देखिए, शुरुआत में आपने टाइटल देखा था कि जिंदगी खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है आपकी जिंदगी, क्योंकि आपके आसपास के लोग ही दोस्तों आपको जीने नहीं दे रहे हैं, आपके परिवार के भी कुछ लोग आपको जीने नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि आपके घर के लोग भी। जरूरी नहीं है दोस्तों कि लोगों के कारण आप अपना गला घोट ले, लोग आपको परेशान करते हैं तो आप जीना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो जैसा है उसके साथ वैसा बनने की कोशिश करिए, कोई टेढ़ा है तो उससे टेढ़ा बनकर दोस्तों आप रहिए। ध्यान रखिएगा, हमारी बातों को गौर से सुनिए, अगर आप एक सीधा हमेशा बने रहोगे तो सबसे पहले आप ही दोस्तों कटोगे, इसलिए जो जैसा है उसको वैसा जवाब देना पड़ेगा। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार परेशान करता है, आपसे झगड़े करता है, आपका कोई हक छीनता है, तो अगर आप बोलोगे ही नहीं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको दोस्तों हमेशा पिटाओगे। दोस्तों वैवाहिक संबंधों में अगर कोई मन मुटाव चल रहा है तो आपसी सामंजस्य सुलझाने की कोशिश करिएगा। कुछ YouTube कमेंट पढ़ लेते हैं, आप ही के कुछ सवाल आते हैं। पहला सवाल आया है शंकर लाल त्यागी की तरफ से, ये हमें कहते हैं कि गुरुजी आप हमें ये बताइए कि मेरी पत्नी 3 साल से मुझे छोड़कर चली गई है, वो कब आएगी और मैं उसका इंतजार करूं या नहीं। देखिए, आज ही जाइए और ये वीडियो जैसे ही आप देख लेते हैं तो शाम के समय हो या सुबह के समय तुरंत जाइए भोलेनाथ जी के मंदिर में। भोलेनाथ जी के मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर शहद चढ़ाइएगा, शिवलिंग पर शहद चढ़ाइएगा और अपनी ये समस्या जैसा आपने हमको बताई है वैसे भोलेनाथ जी को सुना दीजिएगा। कुछ दिनों के अंदर ही आपको चीजों का समाधान पता लग जाएगा कि आपकी पत्नी वापस आएगी, आपको इंतजार करना या नहीं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एक ये उपाय करके देखो। अब अगला सवाल आया है सुनील जी ठाकर की तरफ से, ये कहते हैं गुरुजी अष्ट धातु की अंगूठी मंगवा ली है मैंने, 12 दिनों से मैं पहन रहा हूँ और पहनने के बाद मेरी आंख के ऊपर गिठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था, लेकिन अंगूठी पहनने के बाद ऐसी कृपा हुई कि गिठान ऑटोमेटिक गल गई और कहाँ गई पता भी नहीं चला। देखिए, ये सब भोलेनाथ जी की कृपा है और उस दोस्तों हनुमान जी की कृपा है और ये सब आपकी श्रद्धा के रूप ही है। अगर आप भी अष्ट धातु की अंगूठी मंगाना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ समस्या है, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं, मात्र 499 रुपए की कीमत है।
और एक रुपये आपको ज़्यादा नहीं देना है। घर बैठे आपके दोस्तों आ जाएगी। साथ ही आप गूगल पे फ़ोन पे द्वारा हमें पेमेंट करके यह अंगूठी मंगवा सकते हैं। देखिए कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, सभी को पहले ही बता देते हैं। जो भी मैसेज करे उनको हम पहले ही बता दें कि कैश ऑन डिलीवरी अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। रोजाना हजारों अंगूठियां जा रही है, हजारों अंगूठियां लोग पहन रहे हैं। भरोसा हो तो ही मैसेज करें, ना हो तो मत करें। आज जोड़कर विनती है आपसे। अब बात करें उपाय की, जाते जाते एक उपाय हम दे के जाएंगे। आज मंगलवार का दिन है, तो दोस्तों मंगलवार के दिन आप इस उपाय को करिएगा। दोस्तों एक पान का पत्ता अपने साथ लेकर जाएं हनुमान जी के मंदिर। हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर ले लें और उस पान के पत्ते पर राम नाम लिख दें। राम नाम लिख दें और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर दें। लौटते वक्त पान का पत्ता अपने साथ लेकर आ जाएं और अपने पर्स में हमेशा रखें। ऐसी कृपा रहेगी कि पर्स हमेशा नोटों की गड्डियों से भरा रहेगा, कभी भी धन कम नहीं होगा, धन के रास्ते खुलेंगे आने के। ऐसी कृपा बालाजी महाराज आप पर करेंगे। अगर आप दोस्तों किसी और समस्या से पीड़ित है तो उस पान के पत्ते को किसी ताबीज में पिरोकर अपने गले में बांध ले, किसी कपड़े में बांध ले या कैसे भी आपने गले में धारण कर ले उसको, एक ताबीज लोकेट बनाकर। आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई सवाल परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।